MQM रहनुमाओं से खैर सगाली मुलाकात हुई, एक दो दिन में दोबारा भी मिलेंगे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इंतखाबी नतायज पर शकों को शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नतायज पर जश्न मना रहे हैं। PTI की कानूनी चारजुई पर लीगल टीम तश्कील दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियती पार्टी बन गई, 155 अरकान की हिमायत हासिल है। पार्टी ने वजीर आला की नामजदगी का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया है। मरकज में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। QM का तो एक खैर सुगानी का आज था दौरा और मुलाकात थी, उनसे भी इन मामलात पे कुछ गुफ्तगू हुई है। बाकी गुफ्तगू का दौर जो है वो एक आध रोज बाद होगा। शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है और कुछ पिटीशन सुने आई भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताशे बजा रहे हैं, तहफ़ुज़ात हमें भी हैं। हमारी जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी गई है, पूरे रिकॉर्ड के साथ उसको डिफेंड करेंगे। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है, 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मरकज में किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। पार्टी ने ये इख्तियार कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सौंपा है कि पंजाब में वजीर आला की नॉमिनेशन वो करेंगे, क्योंकि पंजाब की वजारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है।